अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं अपने शहर में मौजूद हूँ। मुझे एक मसला नज़र आ रहा था शहर में, तो जो मैंने सोचा कि मुझे आपसे भी डिस्कस करना चाहिए। वो ऑलमोस्ट हर जो पोल्ट्री फार्मर है, सबके पास वो मसला आता है और बड़ा कॉमन सा इशू है, वो है जी आई इन्फेक्शन। मोस्टली आप देखते हैं कि आपकी जो मुर्गी की जो आँख होती है उसमें आई इन्फेक्शन हुआ होता है, उसकी आँख बंद हुई होती है या आँख से मुसलसल नहीं आ रहा होता है, और भैया आँख के ऊपर करके बिल्कुल दाना बना होता है। तो मैं आपको सबसे पहले मैं कोई आपको दिखाती हूँ कोई ऐसी मुर्गी, उसके बाद मैं आपको इसकी वजूहात और इसका जो तरीका है जिससे आप उसको ठीक कर सकते हैं मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो मैं अपना कैमरा मूव करती हूँ और पहले हम मुर्गी ढूंढ देते हैं वो वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, ये एक दो में मसला है। लेकिन ये मसला आपको एक दो में ही अगर आप सॉल्व करते हैं तो फिर ये ठीक रहता है। अगर आप एक दो में मसला सॉल्व नहीं करते हैं तो ये मुर्गियों में जो मोस्टली डिजीज़ होती है, जो है ये डिजीज़ ढूंढ लेते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि मुर्गियों में जो मसला होता है ना, वो वायरल डिजीज़ होती है। मींस इस तरह से नहीं है कि जो हवा वाली वायरल है, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि एक मुर्गी को जो मसला होता है, अगर आप उसका फ़ौरन से इलाज नहीं करते हैं या उसको बाहर नहीं निकालते हैं, तो वो फैलता चला जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपके पूरे शहर में फैल जाता है। तो ये देखें जनाब, ये हमें मुर्गियाँ मिली हैं, ये बोले के जी के हाथ में है। ये देखें, मैं आपको ये दिखाऊंगी कि इनका ये आँख का मसला, ये देखें इसकी आँख ये किस तरह की हुई है। ये बहुत सी इसमें स्वेलिंग हुई हुई है और साथ ही अंदर से जीप सी हुई हुई है। दूसरी तरफ अगर आप इस मुर्गी की आँख देखें तो ये देखें, ये बिल्कुल बंद हुई हुई है। और इस वजह से ये होता है कि ये इन्हें इंटरनली प्रॉब्लम कोई नहीं होती है, लेकिन आँख के मसले से सिर्फ रीज़न ये होती है कि इनको कुछ नज़र नहीं आता, ये खा पी नहीं सकती हैं, तो ये वीक होकर तो फिर ये बेचारी मर जाती हैं। तो अब इसके रीज़न्स क्या, मैं आपको इसके कुछ रीज़न्स बताती हूँ। इसके रीज़न्स जनाब ये हैं कि आपके जो शेड में, अगर आपके फार्म में गर्द और गुबार बहुत ज़्यादा है किसी तरीक़े से, या किसी के अंदर आने जाने से गर्द और गुबार बहुत ज़्यादा उठता है, तो उसकी वजह से ये इनमें ये इन्फेक्शन हो जाता है। मतलब कि अगर रेत के जर्रे हैं वो आँखों में चले जाते हैं, या इसमें इससे कलाइजा हो जाता है, या अगर आपकी मुर्गी को लंबे अरसे तक बुखार रहा हो या नज़ला ज़ुकाम बहुत लंबे अरसे से, मतलब जो बिगड़ चुका होता है बुखार, टाइफाइड की शक्ल ले चुका होता है, वो बुखार हो चुका हो, तो उसके बाद भी ये जब बुखार चला जाता है तो ये आँखें इससे अफेक्टेड हो जाती है, मसला आँखों में आ जाता है। या आपका जो फार्म है वो जगह गंदी हो, नीचे से सफाई ना हो, और मोस्टली जब आप देखते हैं कि आपके मुर्गियों में कोई ऐसा मसला आ रहा है, तो इसकी जो बहुत से साफ रीज़न है वो है आपकी मैनेजमेंट का और देखभाल का ख़राब होना। अगर आपकी मैनेजमेंट पुअर हो चुकी है या आप देखभाल अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो ये हाइलाइटेड मसला बहुत आँख का, जो ये फ़ौरन से हो जाता है। उसके अलावा इसकी एक और रीज़न ये है कि जो अगर आपस आपका जो फ्लॉग है वो बहुत आपस में झगड़े करता है, तो उस वजह से भी जो है वो ये मसला ज़्यादा हो जाता है। या किसी वजह से आँखों में मुसलसल पानी बहता रहना, तो अगर वो कुछ दिन आँखों से मुसलसल पानी बहता रहेगा तो आँख स्वेल हो जाएगी और ये मसला उसको हो जाएगा। इसकी जो अगर आप इंटरनली देखें तो इसकी कुछ रीज़न जो मुर्गी के अंदर, जिस्म के अंदर वाइटामिन की डेफिशिएंसी भी है, और या टॉक्सिन हो या ना, या फंगस या जरासीम, किसी भी किस्म के कोई और जरासीम है, वो आपकी मुर्गी में आना, आपके जिस्म मुर्गी के जिस्म के अंदर, तो वो इस तरह के मसले बनाता है। इसके अलावा अगर आपके फार्म में लाइट की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, मीन्स इस तरह से है कि आप अगर, जैसे मैं फार्म में आई हूँ लेकिन मैं यहाँ पे इजीली मैं चल कर पा रही हूँ, मैं सर्वाइव कर पा रही हूँ, लाइट इतनी हो कि मैं ऐसे फार्म से बाहर निकलते मेरी आंखें चुंधिया, इसी तरह यही इफ़ेक्ट आपकी मुर्गियों के साथ भी होता है। तो इस वजह से भी है ये आंखें इनमें ख़राब हो जाती हैं। तो इनमें से काफ़ी ज़्यादा इसके रीज़न है, इनमें से कोई भी एक जब रीज़न आ जाती है तो ये मसला हो जाता है। तो ऐसे में फिर आप लोग क्या करते हैं, आप पॉलीफेक्स इसको लगाते हैं इसको बचाने के लिए। तो इसके अलावा जो इसकी जो मेडिसन हैं, ये सिर्फ ऐसे ही है कि ये पॉलीफेक्स या एंथ्रोमाइसिन का जो आप इसको लेकर आप इसकी आँख में डालते हैं सुबह से शाम, इनका तक पानी में कोई मेडिसिन नहीं इसकी होती है। जो सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसन है वो यही है कि आप सुबह शाम इसकी आँख में, जैसे इंसानी आँख में अफेक्शन होने के बाद डालते हैं, तो इसमें आप वेब्रामाइसिन, एरोथाइसिन और पॉलीफेक्स जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इसमें मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। उसके अलावा इसका एक मज़ीद और रीज़न है, जिसमें है नमी का तनासब। अगर आपके फार्म की हवा में नमी का तनासब जो है वो 60 से नीचे आ जाता है, तो तब भी ये मसला बन जाता है, क्योंकि इसका 60 से नीचे आना और 70 से ऊपर जाना जो है ये सूटेबल नहीं होता फार्म के लिए। तो जनाब, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी।
मैंने देखना था कि ये मसला मेरे पास आया है, तो चले मैं इससे रिगार्डिंग मैं आपको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा आप ये फार्म पे मुर्गियों का हाल देख रहे हैं, इसमें से एक ये मुर्गी है जो मेरे बिल्कुल पीछे पीछे आती जा रही है, क्योंकि ये किसी न किसी तरह से मुझे हर्ट करना चाह रही है। तो खैर, ये बोला जी क्या कर रहे हैं, बोला जी जो है अंडे इकट्ठे करने में मशहूल हैं, अंडे इकट्ठे कर रहे हैं बोला जी। अंडे वैसे तो डे में इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए कोई जो बहुत सी जो कोई बेटाइमी मुर्गी हैं जिन्होंने इस टाइम अंडा, ये देखिए अंडा पड़ा हुआ नीचे, ये इसने इस टाइम अंडा दिया, एक वो सामने को रखा हुआ अंडा, ये देखें ये अंडा पड़ा हुआ। तो वैसे तो अंडे को देख के पता नहीं एक दिल इत्मीनान सा आता है, बहुत खुशी सी होती है कि चलें अंडा अच्छा बिजनेस है, अंडा बहुत आपको सर्वाइव कराता है, आपको पैसे बचाने का जो जरिया है और कमाने का वो अंडा ही होता है, अंडा ही आपको आपकी गेम चेंज कर देता है, आपको बहुत जो आप कहते हैं लाखों कमाएं अमीर बनेंगे वो, ये सारी गेम्स अंडे के साथ ही होती हैं। लेकिन अंडे तक जाना बहरहाल बहुत डिफरेंट और मुश्किल टास्क है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है ये, तो उसके लिए आपको अच्छी गाइडलाइन होनी चाहिए, आपके साथ कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो हर बात जानता हो, जिसको सब कुछ पता हो। तो जनाब ये था आज तक की वीडियो, आपको ये मैं दिखाना चाह रही थी जो मैंने दिखा दिया आपको बताया। इसके अलावा आपको किसी किस्म का कोई इशू है तो आप ज़रूर डिस्कस करें, आप कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को भी लाइक करें कमेंट किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।